नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष विश्वकर्मा आप सभी का अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सिलेक्शन मेंटर पर स्वागत करता हूं दोस्तों। और दोस्तों, आज हम लोग जो है कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पढ़ेंगे जो संवैधानिक विकास की दृष्टि से संबंधित होंगे। और दोस्तों, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आज हम लोग पॉलिटी की ही क्लास करने जा रहे हैं संवैधानिक विकास की, जिसमें आप लोग दोस्तों देख रहे हैं ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, ये इंस्टाग्राम चैनल है और ये फेसबुक चैनल है, ठीक है। इसके माध्यम से अगर आप जुड़ते हैं तो टेलीग्राम चैनल से अगर आप लोग जुड़ते हैं तो आपको एक फ़ायदा होगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने से आपको अपडेट सारी बातें मिलती रहेंगी, कितने समय हमारा MCQ कराया जा रहा है, कौन सा नोट्स भेजा जा रहा है, किस लेवल के नोट्स भेजे जा रहे हैं, सारे आपको टेलीग्राम चैनल से प्रोवाइड हो जाएंगे। तो इसलिए आप टेलीग्राम जल्द से जल्द हमारे चैनल को जो है ज्वाइन कर लीजिए। इसके बाद ये हमारी कोचिंग का नाम है सिलेक्शन मेंटर और ये हमारे सर हैं वीरज सर, ठीक है। अगर किसी भी चीज़ की तैयारी करना है, जैसे आप लोग UPTET की तैयारी कर रहे हो या CTET की तैयारी कर रहे हो या UPSC की भी तैयारी कर रहे हो, UPPSC की तैयारी कर रहे हैं, UPSSSC की तैयारी करें और सारे ढेर सारे एग्जाम की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो ये हमारे MCQ आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे और आप लोग लगातार हमारे साथ बने रहिएगा तो आपको एक अच्छे से अच्छे MCQ प्रोवाइड कराए जाएंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो अब हम लोग देरी ना करते हुए चलते हैं क्लास तरफ और देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। आपको देखते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा है और ये क्वेश्चन रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ, इसलिए पूछा जा रहा है आपसे कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ, जिसमें आपके ऑप्शन दिए हुए हैं 1784, 1773 और 1793 और 1786। तो ये चार ऑप्शन हैं, जल्द से आप आंसर दीजिएगा। और ऑप्शन सही होगा दोस्तों 1773, क्या होगा 1773, ये सही होगा दोस्तों 1773। देखिए 1773 रेगुलेटिंग साइट है, तो एक एक जो है हम ऑप्शन पर चेक कर लेते हैं, एक एक ऑप्शन की डिटेल आपको बता देते हैं। ये 1784, देखिए 1784 में सबसे पहले इसका नाम क्या था, तो इसका नाम था पिट्स इंडिया एक्ट। क्या नाम था? पिट्स इंडिया एक्ट। दूसरा, इसमें इस अधिनियम या एक्ट का नाम पिट क्यों रखा गया, पिट क्यों रखा गया? तो आपको दोस्तों बता दें क्यों रखा गया, क्योंकि उस समय इंग्लैंड में पिट नामक एक प्रधानमंत्री थे और उस प्रधानमंत्री के नाम पर रखा गया था, ठीक। दूसरा इसमें क्या है कि कंपनी को राजनीतिक और व्यापारिक मामले को अलग कर दिया गया। अब इसका मतलब यह होता है, दो पॉइंट आपके हो चुके हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, द्वैध शासन का शुभारंभ, डुअल गवर्नमेंट सिस्टम, द्वैध शासन का शुभारंभ द्वैध शासन का शुभारंभ होगा। और द्वैध शासन के शुभारंभ के में आपका जो है एक तरफ व्यापारिक मामले और एक तरफ राजनीतिक मामले अलग कर दिए जाएंगे। व्यापारिक मामले किसे दिया जाएगा, व्यापारिक जो मामले हैं वो दोस्तों दिया जाएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को दिया जाएगा। और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है ये राजनीतिक मामले दिए जाएंगे बोर्ड ऑफ कंट्रोल को। तो समझ गए हो दोस्तों, तो एक तो सबसे
प्रमुख यही चीज है। तीसरी बात क्या है 1784 में कि ब्रिटिश संसद ने भारत में कंपनी के शासन को सही ढंग से रेगुलेट कर पाई, ढंग से रेगुलेट कर पाई, ठीक है। मतलब इस वजह से इसे, मतलब कंपनी के अधीन जितने भी क्षेत्र हैं उनके नाम के सामने अधिपत्य लग गया, अधिपत्य, ब्रिटिश अधिपत्य वाले क्षेत्र कहलाने लगे, क्षेत्र कहलाने लगे। दोस्तों इतना सारा ये जो प्रोविजन था 1784 के पीट्स इंडिया एक्ट के तहत, वो हमने सारी बातें आपको क्लियर कर दी है। इसके बाद हम लोग दूसरे ऑप्शन में चलते हैं और देखते हैं दूसरा ऑप्शन, और दूसरा ऑप्शन आपका बताया था रेगुलेटिंग एक्ट सही है, 1773 को ही एक्ट को हम रेगुलेटिंग एक्ट बोलते हैं। इसमें देखते हैं क्या क्या प्रावधान है दोस्तों। तो सबसे पहले इसमें जो प्रावधान है, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को नियंत्रण किया गया। दूसरी बात, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, ठीक। दो पॉइंट हो गए आपके। तीसरा पॉइंट है कि गवर्नर जनरल का पद लाया गया और बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया, ठीक है। तो ये 1773 से संबंधित हमारे प्रावधान थे। इसके बाद अब हम लोग चलते हैं तीसरे में, देखते हैं 1793। अब ये 1793 में क्या था दोस्तों, तो 1793 में क्या था कि जो कंपनी, मतलब कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था, दोस्तों। और इसमें क्या हुआ कि लिखित विधियों द्वारा प्रशासन की शुरुआत की गई। इसमें ज्यादा कुछ प्रावधान नहीं था, प्रोविजन नहीं था। इसके बाद अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं 1786 का। अब देखिए 1786 है, इस 1786 में क्या हुआ था, तो दोस्तों गवर्नर जनरल, हमारे यहाँ एक गवर्नर जनरल का पोस्ट सृजित किया गया और गवर्नर जनरल को कुछ विशेष अधिकार दिए गए। जैसे कि कौन सा अधिकार दिया गया उसको विशेष अधिकार इसलिए दिया गया क्योंकि सेनापति के अधिकार दिए गए,
दिया गया, सेनापति का अधिकार दिया गया, ठीक है। और वो व्यक्ति जो प्राप्त किया सबसे पहले तो उनका नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्या नाम था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो ये चीज आप लोग पूरी तरीके से समझ गए होंगे दोस्तों, ठीक है। मतलब इसके लिए क्या था कि एक जो परिषद होती थी, क्या होती थी? एक गवर्नर जनरल की परिषद होती थी। किसकी? गवर्नर जनरल की परिषद होती है। इसके अधिकार को निरस्त कर दिया गया, इसके अधिकार को निरस्त करके ऐसा किया गया, समझ रहे हैं ना, निरस्त करके ऐसा किया गया। तो ये पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है, चारों ऑप्शन की डिटेल्स आपको मिल गए होंगे दोस्तों। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन हमारा देखिए दोस्तों, कह रहा है कि गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति कब प्राप्त हुई। तो दोस्तों इसमें चार ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन 1784, 1861, तीसरा 1813 और चौथा है 1919। तो जल्दी आप लोग आंसर दीजिए मेरे दोस्तों, जल्दी से ऑप्शन, ये चार ऑप्शन इसमें देखिए कौन सा सही होगा। तो दोस्तों सही होगा आपका 1861, 1861 आपका बिल्कुल सही होगा। और दोस्तों क्यों सही होगा वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। तो 1784 का तो हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसे हम पीट्स इंडिया एक्ट बोलते हैं, ठीक है। इसमें द्वैत शासन की व्यवस्था लगाई जाती है, द्वैत शासन व्यवस्था का शुभारंभ होता है, ठीक है, ये इसमें बात प्रमुख थी। इसके बाद 1861, अब देखिए 1861 में क्या है कि संवैधानिक सूत्रपात का विकास हुआ। इसमें संवैधानिक सूत्रपात का विकास हुआ, इसमें पात्र का विकास हुआ, सूत्रपात का विकास हुआ और भारतीयों को शासन में भागीदारी प्राप्त हुई। दूसरा क्या है? भारतीयों को शासन में भागीदारी प्राप्त हुई दोस्तों, ठीक है ना, भागीदारी प्राप्त हुई दोस्तों। और इसमें क्या हुआ कि गवर्नर जनरल को क्या है, जो गवर्नर जनरल को कुछ संकटकालीन परिस्थितियों में विशेष अधिकार दिए गए, उसे हम लोग कहते हैं अध्यादेश। और यही अध्यादेश, इसमें विधान परिषद की कोई अनुमति लेनी आवश्यक नहीं थी, अनुमत के बिना, ठीक है ना दोस्तों, ये क्लियर हो गया। तो आपका बी ऑप्शन जो सही था वो आपको मैंने क्लियर कर दिया। इसके बाद अब हम लोग चलते हैं दोस्तों तीसरे ऑप्शन में चलते हैं। और तीसरा ऑप्शन देखिए क्या है, 1813। अब देखिए दोस्तों 1813 का चार्टर एक्ट था, उसमें क्या था, सबसे पहले हम लोग देखेंगे, एक एक प्रोविजन देखेंगे। सबसे पहले क्या हुआ कि जो व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, इसमें सबसे पहला काम हुआ व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। किसका? कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था, मोनोपोली, वो यहाँ से कमर्शियल मोनोपोली यहाँ से इंड कर दिया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी का। दूसरी बात, यहाँ पर एक काम किया गया कि एक चीज नहीं समाप्त की गई, चाय और चीन के साथ व्यापारिक संबंध समाप्त नहीं किए गए, मतलब बने रहे, नहीं किए गए, ठीक है ना। दूसरी बात, यहाँ सबसे मेन प्रमुख जो काम हुआ वो क्या हुआ दोस्तों यहाँ पर, कि भारतीयों की शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1,00,000 रुपए खर्च करने का प्रावधान, 1,00,000 रुपए खर्च करने का प्रावधान ठीक है ना दोस्तों, प्रावधान किया गया, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना आप लोग। तो इस तरह से इस एक्ट में था। और अब हम चलते हैं अगले एक्ट में, चौथे एक्ट में चलते हैं दोस्तों। और चौथा एक्ट देखिए कौन सा है, चौथा
1919। अब देखिए 1919 में क्या क्या था दोस्तों, तो 1919 में देख लेते हैं। सबसे पहले तो इसे हम क्या कहते हैं, काला कानून कहते हैं, ठीक। इसे हम रॉलेट एक्ट कहते हैं, रॉलेट एक्ट कहते हैं। तीसरी बात क्या है इसमें दोस्तों, इसे हम मटेंगू चेम्स फोर्ड अधिनियम कहते हैं, चेम्स फोर्ड अधिनियम कहते हैं, अधिनियम कहते हैं। अब मटेंगू और चेम्स फोर्ड ये दो पार्ट्स थे। तो मटेंगू क्या थे, भारत के राज्य सचिव थे, और जो चेम्स फोर्ड थे वो कौन थे, भारत के वायसराय थे। समझ गए ना दोस्तों, ठीक है। तो मटेंगू चेम्स फोर्ड अधिनियम कहा जाता है। इसमें देखिए प्रावधान और भी था, एक तो सबसे पहले उत्तरदायी सरकार की स्थापना, दूसरी बात, दूसरा क्या था, महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया, ठीक है। तीसरा क्या था इसमें, क्या था कि केंद्र में द्विसदन मतलब ड्यूअल हाउसेज, द्विसदन का निर्माण किया गया, ठीक है। तो इसमें ये था। और एक इसकी सबसे मुख्य विशेषता क्या थी दोस्तों, उसमें था कि प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्थित किया गया, प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया, ठीक है ना दोस्तों। तो इस तरह से 1919 का भी एक आप लोग पूरी अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिए होंगे। और चलते हैं अगले क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन पर दोस्तों। और तीसरा क्वेश्चन है हमारा, देखिए भारत में सचिव का पद, अभी देखिए सेक्रेटरी का पद जो पोस्ट है वो किस एक्ट के द्वारा निर्मित किया गया। तो इसके लिए आपके चार ऑप्शन है दोस्तों। पहला ऑप्शन पार्लियामेंट सुधार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम, मटेंगू चेम्स फोर्ड अधिनियम। तो इसमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों, जल्दी से बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, जल्दी से आंसर दीजिए। और इसमें दोस्तों सही होगा आपका 1858 बी नंबर ऑप्शन सही है आपका 1858। अब देखिए एक एक बात हम देख लेते हैं, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। अब देखिए मार्ले क्या नाम था, मार्ले और मिंटो दो लोग थे। तो मार्ले क्या थे, राज्य सचिव थे, भारत के राज्य स्टेट सेक्रेटरी थे। और मिंटो क्या थे दोस्तों, वायसराय थे, ठीक है। और इसका मुख्य उद्देश्य था पृथक निर्वाचक प्रणाली को लागू करना, ठीक है ना दोस्तों। तो इस प्रकार ये था, पृथक निर्वाचन प्रणाली मतलब मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन व्यवस्था का शुभारंभ करना, ठीक है ना। तो ये पहला हो गया लाल मिंटो सुधार अधिनियम आपको हो गया। आगे चलते हैं हम लोग दोस्तों, और अगला है बी नंबर जो ऑप्शन आपका सही है। अब देखो इस अधिनियम के तहत 1858, इसे तो हम सबसे पहले तो क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं भारत सरकार अधिनियम 1858, या हम लोग कहते हैं शासन अधिनियम कह सकते हैं 1858 को, ठीक है ना दोस्तों। और इसमें क्या हुआ, एक बड़ी बात ये हुई, कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया, ठीक है ना। और इसी एक्ट के तहत भारत में राज सचिव का पद सृजित किया गया। क्यों किया गया दोस्तों क्योंकि भारत की प्रशासनिक सेवा की मशीनीकरण में सुधार करना था दोस्तों, इसलिए इसको लाया गया। अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं
तीसरे ऑप्शन सी नंबर में भारत परिषद अधिनियम 1861। और 1861 के बारे में आपको बता दे, ये संवैधानिक दस्तावेज था, आपको बताया ही हमने, संवैधानिक दस्तावेज था। और इसमें सबसे बड़ा काम हुआ कि गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दे दी गई। अध्यादेश जारी करने की क्या कर दी गई? शक्ति दे दी गई दोस्तों, शक्ति दे दी गई, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग चौथा देखते हैं, और चौथा में क्या है, चौथा में मार्टेंगू चेम्स फोर्ड अधिनियम। इसके बारे में हमने बताया है कि मार्टेंगू कौन थे, सचिव थे, ठीक है। और चेम्स फोर्ड क्या थे, चेम्स फोर्ड एक वायसराय थे, है ना। और इसे क्या कहते थे, काला कानून। क्या कहते हैं इसे, क्या कहते थे, राउलेट एक्ट। क्या कहते थे, राउलेट एक्ट, ठीक है। इसमें क्या मुख्य विशेषता थी, इसमें दोस्तों मुख्य विशेषता क्या थी, प्रांतों में द्वैत शासन लागू करना, ठीक है। इस प्रकार ये चारों ऑप्शन आपके क्लियर हो गए। और चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, चौथा क्वेश्चन देखिए दोस्तों। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट, अभी हम पीछे आपको बता चुके हैं कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस अधिनियम की देन है। तो ये दोस्तों देखिए 1784, 1773, 1793 और 1786। अब देखिए दोस्तों 1784 आपको मालूम है, इसका नाम है पिट्स इंडिया एक्ट। क्या नाम है, पिट्स इंडिया एक्ट। क्या नाम है, पिट्स इंडिया एक्ट। और इसी में द्वैत शासन की व्यवस्था की गई, मतलब व्यापारिक मामले और राजनैतिक मामले, व्यापारिक मामले के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का पद लाया गया दोस्तों, और इसके लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का पद लाया गया। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं 1773। अब देखिए 1773 तो 1773 का ये रेगुलेटिंग एक्ट है। इसका क्या नाम है, रेगुलेटिंग एक्ट है, ठीक है। और संवैधानिक दृष्टि का पहला कदम है, संवैधानिक विकास का पहला कदम है दोस्तों, ठीक है। और इसे क्यों लाया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या करना था, हमें रेगुलेट करना था दोस्तों, क्या करना था, रेगुलेट करना था। और इसी एक्ट दोस्तों, ये चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए थे, ये चार ऑप्शन में आपका ऑप्शन जो सही होगा दोस्तों तो 1773 सही होगा। और 1773 के तहत ही हमारे यहाँ कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। क्यों की गई थी दोस्तों, क्योंकि हमें ईस्ट इंडिया जो कंपनी है ये भ्रष्ट हो चुकी थी, और हमें क्या करना था, कानून लागू करके, ठीक है, इसको क्या करना था, दंडित करना था, ठीक है, इसे रोकना था न्यायालय को स्थापित करके। तो ये दो आपके ऑप्शंस क्लियर हो गए। और तीसरा ऑप्शन आपको क्या दिया है, 1786। अब से देखो 1786 में दोस्तों क्या है, सॉरी पहले 1793 है, और 1793 आपको हमने बताया है कि 1793 में क्या है कि कंपनी के जो अधिकार हैं वो 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया दोस्तों। और क्या किया गया, और लिखित प्रशासनिक सेवा का शुभारंभ किया, लिखित प्रशासनिक प्रणाली लागू की गई, ठीक है ना। तो ये चीज क्लियर हो गया। अब हम आते हैं 1786। अब देखते हैं 1786 में क्या है दोस्तों, 1786 में क्या है कि 1786 का आपको मालूम है कि गवर्नर जनरल को यहाँ पर क्या दे दिया गया, यहाँ पर सैन्य शक्तियां प्रदान की गई थी। इसका महत्व यही रहा इसमें। और इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं पांचवें नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत के प्रथम वायसराय कौन थे। तो दोस्तों भारत के प्रथम वायसराय, पहला लॉर्ड माउंटबेटन, दूसरा वॉरेन हिंज का, तीसरा रॉबर्ट क्लाइव, चौथा लॉर्ड कैनिंग।
अब देखिए ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें जल्दी से अपने ऑप्शन को क्लियर करिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो चारों ऑप्शन में तो दोस्तों इसमें सही होगा भारत का प्रथम वायसराय डी नंबर ऑप्शन लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग क्या होगा? लॉर्ड कैनिंग। अब हम लोग दोस्तों देख लेते हैं, एक एक करके देख लेते हैं कि लॉर्ड कैनिंग का पद कब सृजित होता है हमारे यहाँ दोस्तों। तो देखिए लॉर्ड कैनिंग का पद कब आता है दोस्तों, तो ये आता है कब आता है दोस्तों, ये आता है 1858 में। 1858 में वायसराय का पद सज्जित होता है। तो पहले हम एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे लॉर्ड माउंटबेटन। देखो लॉर्ड माउंटबेटन योजना आई थी, लॉर्ड माउंटबेटन ये क्या थी, योजना थी। लॉर्ड माउंटबेटन क्या थी, एक प्रकार की योजना थी। और ये कब आई थी दोस्तों, ये आई थी 3 जून 1947 को आई थी, ठीक है, माउंटबेटन योजना। और इसका मुख्य उद्देश्य था मेन पर्पज क्या था, डोमिनियन राज की स्थापना करना, डोमिनियन राज स्टेट की स्थापना करना, ठीक है ना दोस्तों, भारत और पाकिस्तान राज्य की स्थापना करना। और ये जो लॉर्ड माउंटबेटन थे दोस्तों, इसे भारत का नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारत का अंतिम, बच्चे बहुत गलत करते हैं क्वेश्चन को, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल या हम लोग कह सकते हैं अंतिम वायसराय था। कौन था दोस्तों वायसराय? लॉर्ड माउंटबेटन थे, ठीक है ना। तो इसे भारत का अंतिम गवर्नर जनरल या वायसराय कह सकते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार हमारा पहला ऑप्शन सही बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं सेकंड बी नंबर ऑप्शन में, ठीक है। और सेकंड में देखते हैं क्या है, वारेन हिचकर। अब ये वारेन हिचकर कौन था? तो दोस्तों 1773 का एक रेगुलेटिंग एक्ट आया था, आपको मालूम होगा दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट आया था। और रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है हमारे यहाँ गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया ना दोस्तों। और जब पद सृजित किया गया तो उसे बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। तो बंगाल का जो गवर्नर जनरल बना तो वो कौन बना दोस्तों? वो बने हमारे वारेन हिचकर, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर होता है। और तीसरा नंबर अब चलते हैं रॉबर्ट क्लाइव के बारे में, और रॉबर्ट क्लाइव के बारे में पढ़ते हैं। तो रॉबर्ट क्लाइव एक ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी था और बाद में ये गवर्नर बनता है, गवर्नर का पद प्राप्त करता है। और प्लासी का युद्ध जो हुआ था वो रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में लड़ा गया था, ठीक है दोस्तों। तो रॉबर्ट क्लाइव भी क्लियर होता है। और हम चलते हैं अब चौथे पर, लॉर्ड कैनिंग पर। और जो ऑप्शन हमारा सही है लॉर्ड कैनिंग, अब देखिए लॉर्ड कैनिंग 1858 का एक शासन अधिनियम आता है हमारे यहाँ। और शासन अधिनियम में क्या होता है कि वायसराय का पद सृजित किया जाता है, वायसराय का पद लाया जाता है। और ये किसे दिया जाता है? ये दिया जाता है दोस्तों लॉर्ड कैनिंग को। तो ये हमारा चौथा भी ऑप्शन, जो ऑप्शन सही था वो लॉर्ड कैनिंग ही ऑप्शन था। तो ये चारों आपके ऑप्शन बिल्कुल क्लियर होते हैं, डिटेल में सारी जानकारी आपको मिल रही होगी दोस्तों, ठीक है। और चलते हैं हम लोग आगे, ठीक है। अब देखते हैं छठवें नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रांतों में द्वैध शासन। तो अभी हम आपको बताई किया है, इसमें चार ऑप्शन है दोस्तों, जल्दी से आप लोग बताइए, आप लोगों को मालूम हो चुका होगा। पहला ऑप्शन भारत सरकार अधिनियम 1935, दूसरा भारत सरकार अधिनियम 1919, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 और भारत सरकार अधिनियम 1858।
अब दोस्तों आपको बता दें, इसमें चारों ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से अपने ऑप्शन को क्लियर करिए दोस्तों। ये चारों ऑप्शन में जो ऑप्शन सही होगा दोस्तों, वो आपका जो है बी नंबर ऑप्शन सही है दोस्तों, बी नंबर ऑप्शन सही है। और ये बी नंबर जो ऑप्शन था, ये आपको अभी हमने बताया है, जिसे काला कानून कहा जाता था, जिसे रॉलेट एक्ट कानून कहा जाता था, रॉलेट एक्ट कानून कहा जाता था। और इसकी मुख्य विशेषता यही थी दोस्तों, जो हम आपने क्वेश्चन पूछा गया है, मुख्य विशेषता, मुख्य विशेषता क्या थी, प्रांतों में द्वैत शासन, प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना, द्वैत शासन की स्थापना मतलब प्रांतों में दो लोगों का शासन, इसलिए इसको कहा जा सकता है प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना, ठीक है ना। तो ये क्लियर हो गया होगा। और फर्स्ट है 1935, देखिए 1935 ये संवैधानिक विकास का अंतिम चार्टर एक्ट था, संवैधानिक विकास का अंतिम अधिनियम था दोस्तों, अधिनियम था। और बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड की गई, जैसे हमारे यहाँ केंद्र में, जैसे वहाँ प्रांत में लगा था, यहाँ पर केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना की गई और प्रांतों से हटाया गया, ठीक है। इसके बाद रिजर्व बैंक की स्थापना भी हुई दोस्तों। इसके बाद हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भी हुई दिल्ली में, ठीक है। बहुत सारे इसमें प्रावधान लाए गए। इसके बाद तीसरा भारतीय परिषद अधिनियम 1909, और इसके बारे में आप जानते हैं, इसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, क्या कहते हैं, सुधार अधिनियम कहते हैं ना दोस्तों, ठीक है। मार्ले कौन थे, सचिव थे, राज सचिव थे, और मिंटो क्या थे, वायसराय थे दोस्तों, ठीक है। ये तो क्लियर आप जानते ही हैं। और चौथा क्या था, भारत सरकार अधिनियम 1858, तो इसमें आपको हम बताते हैं कि देखिए इसमें मुख्य प्रावधान क्या था 1858 वाले में, तो आप जानते हैं कि इसमें कंपनी का शासन खत्म कर दिया गया था, शासन समाप्त कर दिया गया था, सचिव का पद लाया गया था, ठीक है, और सचिव का पद लाया गया, ठीक है। और इसमें वायसराय का भी पद लाया गया, ठीक है। तो ये सारे इस अधिनियम में थे। तो चारों ऑप्शन आपके क्लियर हो गए होंगे, और चारों ऑप्शन में जो ऑप्शन सही था दोस्तों, वो था बी नंबर ऑप्शन सही था। आगे चलते हैं हम लोग सातवें नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। तो दोस्तों सातवें नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस अधिनियम के तहत पहली बार केंद्र में दो सदन विधानमंडल की स्थापना हुई। केंद्र में दो सदन मतलब डुअल जो है हाउसेस बनाए गए। तो देखिए पहला ऑप्शन आपके पास भारत सरकार अधिनियम, दूसरा ऑप्शन मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, तीसरा ऑप्शन भारत परिषद अधिनियम, और चौथा ऑप्शन भारत सरकार अधिनियम। तो इन चारों ऑप्शन में आपको कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, जल्दी से अपने ऑप्शन को क्लियर करिए और जल्दी से बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा दोस्तों, वो डी नंबर ऑप्शन तो सही होगा, 1919, ठीक है 1919। अब एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। तो ये 1858 इसमें आपको हमने बताया कंपनी के शासन की समाप्ति की गई, ठीक है। दूसरी बात, इसमें वायसराय का पद लाया गया, ये भी आपको हमने बताया अभी। इसके बाद इसमें क्या था, सचिव का पद भी लाया गया, ये भी क्लियर हुआ आपका। इसे अब आ जाते हैं मार्ले मिंटो सुधार। तो मार्ले कौन था, सचिव था, मिंटो कौन था, वायसराय था, ठीक है। और इस अधिनियम में क्या हुआ कि इसकी मुख्य विशेषता थी सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था मतलब मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन प्रणाली की प्रावधान किया गया। सी नंबर में भारतीय परिषद अधिनियम 1892। अब इसकी मुख्य विशेषता दोस्तों एक ही रही है, मुख्य विशेषता इसमें सारा कुछ नहीं पढ़ना हमें, मुख्य विशेषता यही रही है कि इसमें जो है पहली बार जो है निर्वाचन प्रणाली का शुभारम्भ हुआ, और वो भी शुभारम्भ जो हुआ
वो अप्रत्यक्ष रूप से चयनित किए गए। अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष मतलब होता है इनडायरेक्ट प्रावधान किया गया, ठीक है। अब दोस्तों जो चौथा ऑप्शन आपका सही था, चौथा ऑप्शन कौन सा सही था दोस्तों, तो इसमें डी नंबर ऑप्शन सही था। और डी नंबर में क्या लिखा हुआ है, 1919। अब दोस्तों जो 1919 है इसमें तो आपको मालूम है इसे काला कानून, इसे रेगुलेटेड कानून, ठीक है, और उसे हम लोग महिलाओं पर मताधिकार का प्रयोग, ये सारे प्रावधान थे। और मुख्य विशेषता भी इसमें आपने बताया, हमने प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई, और एक चीज केंद्र में द्विसदनी विधानमंडल का स्थापना की गई। अब द्विसदन विधानमंडल क्या होता है, दो सदन। अब देखिए आज आप लोग जानते होंगे दो सदन। अब दो सदन में एक जैसे आज आप लोग जानते हैं लोकसभा, क्या जानते हैं, लोकसभा, और एक जानते हैं राज्यसभा। तो उस समय क्या था, तो उस समय दोस्तों यहाँ पर विधानसभा थी, क्या थी, विधानसभा थी। और यहाँ पर दोस्तों विधान परिषद की जगह, विधान परिषद की जगह राज्य परिषद की स्थापना की गई, राज्य परिषद। तो राज्य परिषद क्या था, एक उच्च सदन था, मतलब हाईएस्ट हाउसेस था, और ये विधानसभा निम्न सदन थी, क्या थी, निम्न सदन। जैसे आज हम लोग लोकसभा को निम्न सदन, ठीक है, जानते हैं। आगे चलते हैं हम दोस्तों, देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस एक्ट के तहत भारत का गवर्नर जनरल बना। अब आपको बता दें पहला ऑप्शन आपके पास 1773, दूसरा है 1833, और तीसरा है 1813, और चौथा है 1853, ठीक है। देखिए ये गलत लिख गया है, इसको कैंसिल कर लेते हैं 1800। अब देखिए इसमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से अपने ऑप्शन को क्लियर करिए, जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो इसमें देखो दोस्तों ऑप्शन जो सही होगा वो होगा 1833 दोस्तों, 1833। देखिए 1773 एक्ट के तहत, ठीक है, यही अब हम यहीं से पूरा आपको डिटेल बता दें। तो 1700 जो 73 का एक्ट है इसमें क्या कहा गया था, बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था, बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था, ठीक है, बंगाल का गवर्नर। मतलब क्या बनाया गया कि जो मद्रास था और मुंबई था, उसकी जो विधायी शक्तियां थी, लेजिस्लेटिव पावर थी, विधायी शक्तियां थी, वो विधायी पावर्स जो है वो किसके अधीन पहुंच गई, बंगाल के गवर्नर के अधीन, बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन, गवर्नर जनरल के अधीन पहुंच गई, ठीक है। परंतु अब बी नंबर जो ऑप्शन आपका सही है, तो बी नंबर कैसे सही होगा देखते हैं दोस्तों, इसमें डिटेल करते हैं बी नंबर ऑप्शन में, क्योंकि ये 1833 का जो चार्टर्ड एक्ट पास हुआ था, चार्टर्ड एक्ट पास हुआ, इसमें इसकी मुख्य विशेषता थी, मुख्य विशेषता ये थी कि शासन को केंद्रीकरण किया गया, मतलब शासन को केंद्रीकरण किया गया। मतलब केंद्रीकरण का मतलब होता है कि सरकार को कंपनी के अधिपत्य वाले क्षेत्र में पूर्ण अधिकार प्राप्त करना था, पूर्ण अधिकार प्राप्त करना था। इसलिए सारे प्रेसिडेंटों को पावर्स लेकर के एक भारत सरकार के लिए कानून बनेगा, भारत सरकार को मतलब भारत में जो शासन करे उसको सारे, मतलब ब्रिटिश क्राउन को तो अभी नहीं है, अभी सारे अधिकार ब्रिटिश क्राउन के पास नहीं है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो मद्रास बम्बई और बंगाल प्रेसिडेंटी, सारी विधायी शक्तियां किसके हाथ में पहुंच गई, एक संपूर्ण शक्तियां भारत के गवर्नर जनरल को पहुंच गई। और गवर्नर जनरल को पहुंच गई तो उसमें जो गवर्नर जनरल को पहुंची तो उसमें जो है किसको दिया गया पावर्स, और वो भारत का गवर्नर जनरल कौन बना दोस्तों, भारत का गवर्नर जनरल किसे बनाया गया दोस्तों, तो वो भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक। इसे सबसे अच्छा गवर्नर जनरल बोला जाता है, क्योंकि इसने जो है सती प्रथा कानून को
राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर के जो है समाप्त किया था। बहुत अच्छा काम करने वाला सा बताया जाता है गवर्नर जनरल। इसके बाद अब हम 1833 का चार्टर एक्ट देखेंगे। 1833 के कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त किया गया, कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त किया गया, अधिकार को समाप्त कर दिया गया, ये तो आपको बता ही चुके हैं। और जो चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त बने रहे, ठीक है। फिर आगे आप चलते हैं 1853। अब 1853 का चार्टर डेट, ठीक है, चार्टर एक्ट का अंतिम सीरीज था ये अंतिम प्रावधान था, चार्टर मतलब अंतिम चार्टर डेट कह सकते हैं, ठीक है। चार्टर डेट का अंतिम चार्टर डेट था 1853 दोस्तों, ठीक है ना। इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग, 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और 9 नंबर क्वेश्चन, किस अधिनियम को काला कानून कहा गया। तो देखिए, पहला ऑप्शन आपके पास भारत सरकार अधिनियम 1919, दूसरा ऑप्शन भारत सरकार अधिनियम 1935, तीसरा भारत परिषद अधिनियम 1858, चौथा भारत परिषद अधिनियम 1800। तो आपको इसे मालूम है, इसे हम लोग काला कानून बोलते हैं, काला कानून बोलते हैं ना दोस्तों। तो इसी तो हम काला कानून, तो यही ऑप्शन आपका दोस्तों सही होगा। ये चार ऑप्शन में आपका पहला ही ऑप्शन सही होगा दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1919, ठीक है। काला कानून भी कहते हैं, और क्या कहते हैं दोस्तों, रॉलेट एक्ट भी कहते हैं दोस्तों, कहते हैं ना। प्रांतों में द्वैध शासन की भी व्यवस्था की गई दोस्तों, की गई ना। इसके बाद महिलाओं को मताधिकार भी दिया गया ना दोस्तों, महिलाओं को बता चुके हैं ना दोस्तों, मताधिकार प्राप्त किया गया। फिर उत्तरदायी सरकार की भी स्थापना की गई दोस्तों, ठीक है। ये सारे प्रावधान थे। अब हम चलते हैं अगले बी नंबर का देखते हैं। बी नंबर क्या है, कह रहा है भारत सरकार अधिनियम 1935। देखिए, इसे हम अंतिम अधिनियम मानते हैं। क्या मानते हैं, अंतिम अधिनियम मानते हैं दोस्तों, मानते हैं ना, ठीक है। पूरी सीरीज का अंतिम, संवैधानिक विकास का अंतिम मानते हैं। अब इसमें क्या क्या प्रावधान, सबसे पहले इसमें तो अखिल भारतीय संघ की स्थापना, ठीक। दूसरी बात इसमें क्या है, इसके बाद रिजर्व बैंक की स्थापना हुई, ठीक है। फिर दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। फिर क्या है दोस्तों, और इसके बाद प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया ना। इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया गया, ठीक है। तो ये प्रावधान इसमें था, ठीक है ना। इसके बाद और एक क्या था, इस अधिनियम के तहत जो है लिस्ट बनाई गई, सूची का निर्माण हुआ। जैसे हम लोग कह सकते हैं केंद्र सूची, जैसे कह सकते हैं राज्य सूची, ठीक है। फिर कह सकते हैं समवर्ती सूची, ठीक है। राज्य सूची को हम लोग कहते हैं स्टेट लिस्ट, केंद्र सूची को बोलते हैं यूनियन लिस्ट। इस प्रकार से तुम्हारे 1935 के अधिनियम सारे प्रावधान थे। सी नंबर भारत परिषद अधिनियम 1858। अब देखते हैं दोस्तों, इसमें 1858 में ये तो आपको हम बता ही चुके हैं, ये क्या कहता है कि ये जो है कंपनी का अंत किया गया, कंपनी को समाप्त किया गया इस एक्ट के तहत, ये भी आपको मालूम है। सचिव का पद भी सृजित किया, ये भी मालूम है। वायस राय का पद सृजित किया गया, ये भी मालूम है। तो ये आपको क्लियर है। इसके बाद भारत परिषद अधिनियम 1892, इसकी मुख्य विशेषता बस एक ही याद रखना है दोस्तों। इसमें क्या है मुख्य विशेषता, इसमें मुख्य विशेषता है कि भारत में निर्वाचन प्रणाली को विकास किया गया, प्रणाली का
विकास हुआ, ठीक है, इस प्रकार ये भी सही हो गया। ठीक है, तो चारों ऑप्शन की डिटेल आप लोग देख चुके हैं, जिसमें जो ऑप्शन सही है वो दोस्तों सही है। कौन सा सही है दोस्तों? पहला भारत सरकार अधिनियम। आगे चलते हैं दोस्तों, 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस अधिनियम ने सबसे पहले भारत के लिए एक शिक्षा के लिए 1,00,000 रुपए खर्च करने का प्रावधान दोस्तों दिया गया? तो इसमें चार ऑप्शन आपके पास, 1813, बी नंबर 1833, सी नंबर पीट्स इंडिया एक्ट 1784, डी नंबर रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसमें चार ऑप्शन है दोस्तों, जल्दी से अपने ऑप्शन को क्लियर करिए। इस चार ऑप्शन में जो है एक कोई सही है, जल्दी से बताइए। तो दोस्तों आपको हम डिटेल करा भी चुके हैं और आप जल्दी से आंसर दे भी चुके होंगे। तो इसमें ऑप्शन सही होगा आपका दोस्तों 1813 का जो चार्टर एक्ट पास हुआ था वो सिर्फ इसीलिए पास हुआ था कि एक तो सबसे पहले व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया, दूसरा काम क्या था दोस्तों कि चाय और चीन के साथ व्यापारिक संबंध बने रहे, मगर 1833 में चाय और चीन के साथ व्यापारिक संबंध को हटा दिया गया। ठीक है, ये 1833 का जो महत्वपूर्ण विशेषता रही, ये मुख्य विशेषता रही, यहाँ पर शासन का केंद्रीकरण करना था दोस्तों। ठीक है, इसी वजह से भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया दोस्तों। ठीक है ना, इसके बाद पीट्स इंडिया एक्ट आप जानते हैं 1784, पहली बार द्वैत शासन व्यवस्था को जन्म दिया गया, जहां पर क्या कहते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दो मामले लाए गए। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो था वो व्यापारिक मामलों के लिए था, और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था वो था आपके लिए राजनीतिक मामलों के लिए। इसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट 1773, और ये एक प्रकार का ऐसा एक्ट था जो ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या करना था, रेगुलेट करना था दोस्तों। और दूसरी बात, जो भ्रष्ट हो रही थी शासन, उसके लिए एक न्यायालय को भी गठित करना था। इसलिए 1774 में इस एक्ट के तहत कलकत्ता में क्या किया गया, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, और बंगाल में शासन को स्थापित करने के लिए एक गवर्नर जनरल का पोस्ट बनाया गया। गवर्नर जनरल को स्थापित किया गया दोस्त। तो इस प्रकार ये पूरी बातें क्लियर हो गई। और चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर, ये सारे डिटेल्स आपको बिल्कुल क्लियर हो रहे होंगे। और चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर, 11 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, और देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, कि किस अधिनियम के द्वारा निर्वाचन प्रणाली, अभी हम आपको बताए हैं कि किस अधिनियम की मुख्य विशेषता रही है निर्वाचन प्रणाली। तो ये दोस्तों देखिए, चार ऑप्शन आपके सामने हैं, और चार ऑप्शन में पहला ऑप्शन भारत सरकार अधिनियम 1858, दूसरा भारत परिषद अधिनियम 1892, और सी नंबर भारत परिषद अधिनियम 1861, और भारत सरकार अधिनियम 1919। अब देखिए, ये तो आपको मालूम है कि इसमें क्या था, कि कंपनी के शासन को समाप्त किया गया। ठीक, इसमें क्या था, भारत परिषद अधिनियम, यही इसकी मुख्य विशेषता थी। तो इसलिए ये ऑप्शन आपका सही होते हैं चारों ऑप्शन में। ये बी नंबर ऑप्शन सही होता है कि निर्वाचन प्रणाली का शुभारंभ किया गया 1892 में, और जो 1861 का था इसमें मुख्य विशेषता थी गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त हो गई। ठीक है, इसके बाद भारत सरकार अधिनियम 1919, और इसमें आपको बताते हैं कि इस अधिनियम को हम लोग मार्टिंगू चेम्स फोर्ड अधिनियम कहते हैं। ठीक है ना दोस्तों, और इसे हम लोग काला कानून भी कहते हैं दोस्तों, और रॉलेट एक्ट भी कहते हैं दोस्तों। तो आपको पूरी तरीके से रट गया होगा पूरे दिमाग में, सारे प्रावधान पूरे सारे एक्ट के कंप्लीट हो चुके होंगे दिमाग में। ये चारों ऑप्शन आपके क्लियर होते हैं। और चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस अधिनियम के तहत उत्तरदायी शासन, अभी आप लोगों को हमने प्रावधान बता चुके हैं, और जल्दी से बताइए किस प्रावधान के तहत आपको उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए प्रावधान दिया गया दोस्तों। तो इसमें देखिए आपके जो है, पहला है भारत परिषद अधिनियम 1892, दूसरा भारत परिषद अधिनियम 1861, तीसरा भारत सरकार अधिनियम 1935, चौथा भारत सरकार अधिनियम 1919। ये चारों ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, और जल्दी से अपने आंसर को पुष्ट करिए कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो इसमें दोस्तों सही होगा ऑप्शन जो है वो सही होगा ऑप्शन डी नंबर, उत्तरदायी शासन की स्थापना 1892 की आप मुख्य विशेषता क्या थी दोस्तों, निर्वाचन प्रणाली। ठीक है, वो भी किस रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्ट रूप से। ठीक, दूसरे में क्या था 1861,
1861 में क्या मुख्य विशेषता थी? अध्यादेश जारी करना, अध्यादेश जारी करना, ठीक है। सी नंबर में क्या थी मुख्य विशेषता? कि इसमें देखो रिजर्व बैंक की स्थापना हुई है, अभी हम बता चुके हैं रिजर्व बैंक की स्थापना है ना, और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना दिल्ली में, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना दिल्ली में। दूसरी बात, केंद्र में द्वैध शासन, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना। इसके बाद अखिल भारतीय संस्था की स्थापना, अखिल भारतीय संस्था की स्थापना, संस्था की स्थापना। इसके बाद क्या था? सूची का निर्माण, तीन प्रकार की सूची का निर्माण, तो ये इसमें प्रधान थे। अब डी नंबर में क्या आई? तो यही ऑप्शन आपको हमने बताया कि यही ऑप्शन आपका सही है, 1919, जिसे हम काला कानून कहते थे, रॉलेट एक्ट कहते थे। इसके बाद इसमें महिलाओं को मताधिकार दिया गया, इसी में उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई, इसी तरह में केंद्र में द्विसदनीय विधान मंडल का स्थापना किया गया। तो ये आपका चौथा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, और जल्दी से आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। और हम चलते हैं तुरंत 13 नंबर क्वेश्चन पर। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संघीय न्यायालय, संघीय मतलब अपना खुद का न्यायालय अब गठित हो गया, संघीय न्यायालय, पहले कलकत्ता में था अब दिल्ली में होगा 1892। तो ये आपको बताया मुख्य विशेषता इसकी क्या थी, क्या मुख्य विशेषता थी दोस्तों? मुख्य विशेषता थी निर्वाचन प्रणाली, ठीक है, निर्वाचन प्रणाली का प्रदान। 1919 में ये देखिए पहला ऑप्शन था, दूसरा ऑप्शन, तीसरा, चौथा, ये चारों ऑप्शन में जल्दी से आप ऑप्शन पहले क्लियर करिए। तो इसमें चारों ऑप्शन में आप लोगों को पहले हम बता ही चुके थे, आप लोगों को कन्फर्म भी हो चुका होगा, इसलिए चारों ऑप्शन में आपका दोस्तों जो सही होगा वो सी नंबर सही होगा, 1935 संघीय न्यायालय की स्थापना हुई दोस्तों। तो ये चारों, तो ये पहला हो चुका है हमारा, और दूसरा हम लोग 1919 की बात करेंगे, जिसे हम लोग कहते हैं रॉलेट एक्ट, ठीक है, काला कानून, क्या कहते हैं? काला कानून। सारी चीज़ें आपको कन्फर्म हो गई होंगी, और इसे हम लोग कहते हैं मार्टिंगू जेम्स फोर्ड अधिनियम, ठीक है, 1935 ही सही होगा दोस्तों। और 1935 में सारे प्रधान आपको बताए थे कि संघीय जो न्यायालय की स्थापना हुई थी वो इसी एक्ट के तहत हुई थी 1935, और 1858 का जो चार्टर एक्ट था दोस्तों वो कंपनी के शासन का अंत कर दिया, और महारानी एलिजाबेथ के शासन से हटकर किसके हाथ में पहुंच गया? महारानी विक्टोरिया के हाथों पहुंच गया था, और यही पद में सचिव का पद और वायसराय का पद सज्जित किया गया। तो 13 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा, और आगे चलते हैं हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन पर। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? कि इस अधिनियम द्वारा केंद्र और प्रांतों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया। अब देखिए आप लोगों को पूरा कंफर्म हो गया होगा, सारे प्रावधान क्लियर हो भी चुके होंगे, और जल्दी से ये चार ऑप्शन आपके सामने दिया, 1858, 1919, 1935 और 1909। तो आपको मालूम है पहला ऑप्शन कंपनी के शासन को अंत कर दिया, दूसरा ऑप्शन 1919 से रॉलेट है काला कानून और मार्टिंगू जेम्स फोर्ड अधिनियम और प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना यहाँ का मुख्य उद्देश्य था, और इसके बाद क्या था कि दोस्तों इसमें जो है क्या कहते हैं केंद्र में द्विसदनीय विधान मंडल की और उत्तरदायी शासन की व्यवस्था की गई, ये 1919 का था प्रधान, ठीक है। तो ये भी नहीं हो सकता 1935 में, देखिए संघीय न्यायालय की स्थापना, रिजर्व बैंक की स्थापना और केंद्र प्रांतों के बीच शक्तियों का विभाजन, इसलिए हमारे यहाँ क्या की गई थी? सूची का गठन किया गया था, तीन प्रकार की सूची का गठन किया गया था, कौन कौन सी? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और इसके बाद कनकरेंट लिस्ट, कनकरेंट लिस्ट, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं समवर्ती सूची, इसको बोलते हैं राज सूची, इसको बोलते हैं यूनियन सूची। ये तो चीज़ आप लोगों को कंफर्म हो गई होगी, और यही अधिनियम ने हमको 1935 के अधिनियम ने हमारे केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों का विभाजन, तो ये बिल्कुल ऑप्शन सही होगा 1935। और 1909 इसे हम लोग कहते हैं मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो सुधार, सुधार अधिनियम, मार्ले सचिव था, मिंटो वायसराय था दोस्तों। तो ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गया, और ये 1909 में आया था दोस्तों, और इसका मुख्य उद्देश्य था पृथक निर्वाचन प्रणाली मुसलमानों के लिए, पृथक निर्वाचन प्रणाली मतलब संप्रदाय प्रतिनिधित्व का शुभारंभ करना था, इसलिए 1909 लाया गया था। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पर, और जल्द से 15 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। और 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है माल्य मिंटो सुधार अधिनियम, अभी बिल्कुल आपको पढ़ा के पीछे आ रहे हैं माल्य मिंटो सुधार अधिनियम। देखो कब पास हुआ था दोस्तों, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये चार ऑप्शन दिए, इसमें जल्दी से आप लोग अपने आंसर बताइए। तो जल्दी से ऑप्शन आपका सही होगा 1909, 1909 इसमें पहला ही ऑप्शन
ऑप्शन आपका सही होगा 1909। इसमें मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले को क्या कहा जाता था दोस्तों, वायसराय, और मिंटो को क्या कहा, सॉरी मार्ले को कहा जाता था सचिव, और मिंटो को क्या कहा जाता था वायसराय। और इसकी मुख्य विशेषता आपको हमने बताई दिया था, इसकी मुख्य विशेषता थी पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था, पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था, प्रणाली की व्यवस्था दोस्तों, ठीक है। और इसमें मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन व्यवस्था की गई थी। और मिंटो को कहा जाता है भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जनक दोस्तों, ये चीज क्लियर हो गई होगी। और इसमें आपको बता दें इसमें क्या था, काला कानून कहा जाता था, क्या कहा जाता था, काला कानून कहा जाता था, रौलेटेड कहा जाता था, प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना हुई थी, केन में द्विमंडली स्थापना हुई थी। और इसके बाद क्या क्या हुआ दोस्तों, इसके बाद उत्तरदायी सरकार की स्थापना हुई थी 1935 में। क्या क्या हुआ था 1935 में, जैसे संघीय न्यायालय की स्थापना हुई, फिर रिजर्व बैंक की स्थापना हुई, फिर इसके बाद क्या हुआ, केंद्र और प्रांतों के बीच सूचियां गठित की गई। इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, इसके बाद इसमें जो है क्या कहते हैं, लोक सेवा आयोग का गठन भी हुआ हमारे यहाँ 1935 के एक्ट के तहत, रिजर्व बैंक की स्थापना हुई, ये सारे प्रधान 1935 के, और केंद्र में जो है केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना 1935 में हुई, और प्रांतों में द्वैत शासन की समाप्त हुई, प्रांतों में द्वैत शासन की समाप्त हुई। 1858 का क्या एक्ट था दोस्तों, 1800 में कंपनी के शासन का अंत कर दिया गया, अब ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत शासन पहुंच गया, महारानी विक्टोरिया के हाथों शासन पहुंच गया एलिजाबेथ से। और इसमें सचिव का पद, किसका सचिव का पद, सचिव का पद और वायसराय का पद लाया गया दोस्तों, वायसराय का पद लाया गया दोस्तों। तो ये 1858 आपका क्लियर होता है, चारों ऑप्शन आपके बिल्कुल क्लियर है, और बहुत ढंग से हमने सारी डिटेल्स आपको कराए हैं। अगर आप चाहेंगे तो अच्छी तरीके से ये सारे जितने भी हमारे जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है संवैधानिक विकास की दृष्टि से जो हमने आपको कराए हैं संविधान के, वो सारे क्वेश्चन अगर आप लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से अगर जो है इन सारी डिटेल्स में समझे होंगे, और सारे सही आंसर आप कभी भी कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपको बन के अगर संवैधानिक विकास से आता है तो आप गलत जरूर नहीं करेंगे, मैं कह दे रहा हूँ। बस आप अपने जितना पढ़ाया मैंने उस सारे वीडियो में, जितना भी मैंने क्लियर किया वो सारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और सारे डिटेल्स के तरीके देखें, तभी आपके सारे ये पॉइंट्स, ये जो फैक्ट हैं, ये सारे क्लियर हो जाएंगे। और आज के बाद आपको संवैधानिक विकास की दृष्टि को बार बार नहीं पढ़ना पड़ेगा, इसी से आप पूरी तरीके से इसमें कंफर्म हो जाएंगे, ठीक है ना। और दोस्तों देखिए ये पूरा आपका क्लियर हो चुका है, ठीक है ना दोस्तों, ये पूरा क्लियर हो चुका है दोस्तों। और देखिए सेशन को लाइक और शेयर जरूर करें, और सब्सक्राइब भी करें दोस्तों, जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि आपको जल्द से जो वीडियो आपको प्रोवाइड हो पाए इसलिए सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, बेल आइकन पर बटन दबा दें आप लोग बहुत जल्दी से, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।